नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लैनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आंग्ल नववर्ष की शुरुआत होने वाली है, यानी साल 2021 शुरू होने वाला है और बहुत सारी उम्मीदों के साथ ये आ रहा है, बहुत सारी आशाओं के साथ ये आ रहा है हम सबके जीवन में। तो प्लैनेट पांडे के माध्यम से हम आपको रोज एक राशि के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आने वाले वर्ष में उस राशि की संभावनाएं कैसी रहने वाली हैं। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। देखिए, वर्ष 2021 मेष राशि के लिए अगर हम ऑन दी होल कहें, कुल मिलाकर कहें, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर के मामले बहुत अच्छे होंगे, हालांकि साल के शुरुआती समय में ही करियर में कोई परिवर्तन जनवरी से अप्रैल के बीच में संभावित है, हो सकता है। और अगर कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो निसंदेह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पैसे भी बढ़ेंगे और फायदा भी होगा। धन की स्थिति इस साल में आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। खास तौर से अगर हम मई से अगस्त तक का समय देखें, तो इस समय में धन का अच्छा आगमन दिखाई दे रहा है। आप अपने कर्जों से भी इस साल छुटकारा पा सकेंगे और धन को सफलता से बचा भी सकेंगे। धन की स्थितियां आपकी अच्छी होंगी, धन की मुश्किलें आपकी इस वर्ष में दूर हो जाएंगी। जो महत्वपूर्ण बात है मेष वालों के लिए, देखिए, पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बचत वाले पार्ट पर ध्यान देना होगा। कर्जा देने से बचिएगा और साथ ही साथ जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, इन सब से दूर रहिएगा, क्योंकि यहां पर आकस्मिक धन हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। यानी अगर कोई गलती नहीं करेंगे तो कुल मिला के धन की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी रहेंगी। स्वास्थ्य की अगर हम आपके बात करें मेष राशि वालों की, तो शुरुआती समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। पेट की समस्या और हड्डियों की समस्या इस साल के पहले 6 महीनों में आपको परेशान कर सकती है। ज्यादातर काल्पनिक समस्याएं भी आपको रह रहकर परेशान करेंगी कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। एक मन में तमाम तरह के बीमारियों की वहम जैसी स्थिति भी इस साल आपके मन में रह सकती है। लेकिन मैं आपको श्योर कर दूं कि कोई बहुत गंभीर स्थिति नहीं बनेगी अगर आप थोड़ी सावधानी रखेंगे, अपने मन पर, दिलो दिमाग पर काबू रखेंगे। अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है वो है आपका डेवलपमेंट। इस साल की डेवलपमेंट की स्थिति बहुत अच्छी है और आप काफी उन्नति कर पाएंगे। यानी अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस साल संपत्ति और वाहन का लाभ भी आपको जरूर होगा। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, मेष राशि वालों के उपाय को हम दो हिस्से में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है जनवरी से अप्रैल तक का। इसमें आप बृहस्पति का मंत्र नियमित रूप से पढ़िएगा सुबह शाम, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। और मई से लेकर दिसंबर तक आप सुबह शाम शनि का मंत्र पढ़िएगा, ओम शं शनेश्वराय नमः। और अगर आपकी राशि मेष है तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप सलाह लेकर के किसी ज्योतिषी से अगर इस वर्ष में मोती धारण करें तो आपको काफी फायदा हो सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह की संभावनाएं भी इस साल बहुत प्रबल नहीं है। हालांकि इतना जरूर हो सकता है कि शादी फाइनल हो सकती है, शादी तय हो सकती है, लेकिन शादी होने की संभावनाएं थोड़ी कमजोर दिख रही हैं। जो लोग निसंतान हैं, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और अगर आपकी राशि मेष है तो आप अप्रैल के बाद प्रयत्न करें, आपके लिए बेहतर समय जरूर रहेगा। तो वर्ष 2021 में अगर हम मेष राशि की रेटिंग करना चाहें तो मेष राशि को हम 100 में से 90 नंबर देंगे। 90% की राशि है। सिर्फ आकस्मिक गलतियों से बचिएगा, पैसे के इन्वेस्टमेंट में जुए, सट्टे, शेयर बाजार, लॉटरी से दूर रहिएगा और निर्णयों में थोड़ा सा चैतन्य होकर ध्यान रख के अगर आप चलेंगे तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने आपको 100 में से 90 नंबर यानी 90% का भाग्य आपका बताया है। तो आज के लिए प्लैनेट पांडे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होंगे हाजिर और अगली राशि वृषभ के बारे में बात करेंगे और टू द पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वृषभ राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला।